हेलो एवरीवन, प्रीवियस क्लास हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देख चुके हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं किए, करेंगे उसमें हम लोग पढ़ाया, उसमें चैनल में आप लोग देख रहा था। आज हम लोग दूसरा इंपॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो थ्योरी के साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा न्यूमेरिकल करके हम लोग चैप्टर को आगे निकाल लेंगे और न्यूमेरिकल का सेपरेट क्लास करके देंगे आपको, ठीक है। तो कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल का सेपरेट क्लास करके देने के लिए। लेट अस सी टुडे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम था उसका लिमिटेशन था क्या? इट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर थिन लैमिनार बॉडीज। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल बॉडीज, इसका कोई लिमिटेशन नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा पावरफुल फॉर्मूला है, ठीक है, थ्योरम है, ठीक है। क्या कहता है थ्योरम? इफ एम आई of a body about n axis passing through its center of mass is known as ICM, then MI of the body about any other axis, एक एक्सिस में मालूम है तो दूसरा एक्सिस में क्या होगा बता रहा है इसमें, ठीक है। About any other axis, जो भी फिजिसिस्ट इसको निकाले ना, I salute to him, कितना मस्त सोच है, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग सोच है, बड़ी यूजफुल है ये फॉर्मूला, देखोगे आप। लेकिन नाम नहीं है कौन दिया, कौन डिस्कवर किया ये थ्योरम को। थ्योरम मतलब थ्रू योर एक्सपीरियंस यू कंक्लूड सम शॉर्टकट, तो दैट शॉर्टकट इज दिस। थ्योरम का मतलब हुआ कोई एक लंबा प्रोसेस में कर रहे थे, इसको क्लू निकाल दिए, ऐसे करो तो हो जाता है, ऐसे तो हो गया शॉर्टकट, है ना। तो इफ एम आई ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज नोन एज ICM, देन एम आई ऑफ द बॉडी अबाउट एनी अदर एक्सिस, कोई एक दूसरा एक्सिस पैरेलल टू प्रीवियस एक्सिस एंड एट ए डिस्टेंस h फ्रॉम इट इज गिवन बाय I is equal to ICM plus mh square. क्या मस्त है? M is mass of the body. ठीक है, स्टेटमेंट बहुत बढ़िया से समझ में नहीं आएगा जब तक हम फिगर करके नहीं एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या है ये स्टेटमेंट? लेट अस अंडरस्टैंड। कहता है सपोज यहां पे कोई एक बॉडी है किसी भी शेप का है, इस बॉडी का अपना सेंटर ऑफ मास तो होगा ही, कहीं ना कहीं होगा। सपोज ये है उसका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ कोई एक एक्सिस में अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, इस बॉडी का मास m है, ये एक बॉडी है जिसका मास m है, इस पॉइंट से पास करता हुआ, ये कौन सा पॉइंट है? सेंटर ऑफ मास। इस पॉइंट से पास करता हुआ कोई एक एक्सिस, पहले आप सोचो कि इस पॉइंट से पास करता हुआ कितना टू एक्सिस हो सकते हैं। You can have an axis like this, you can have an axis like this, you can have an axis like this, you can have an axis like this. समझ में आ रहा है क्या? There can be infinite number of axis passing through the center of mass. तो कोई भी एक particular axis में अगर आपको मालूम है क्या कि moment of inertia, suppose I know the moment of inertia of this body about this axis. ये कौन सा axis है? It is an axis passing through center of mass. कोई भी एक axis. और इसका moment of inertia कितना है? ICM. तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक दूसरा एक्सिस में जो कि इस एक्सिस के साथ पैरेलल है, इस एक्सिस के साथ पैरेलल हो, क्योंकि दूसरा एक्सिस यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कोई भी एक दूसरा एक्सिस में, सपोज आई चूज अनदर एक्सिस समवेयर हियर जो कि इसके साथ पैरेलल है, कितने दूर पे है, सपोज यहां से कुछ h डिस्टेंस में है, और इस एक्सिस का नाम क्या है? सपोज AB। अगर इसमें मालूम है
तो इस एक्सिस में क्या हो जाएगा, आई ए बी इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम एच स्क्वायर। समझ में आया क्या? जैसे मान लो कि जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, ये तो पहला एग्जांपल हुआ, दूसरा एग्जांपल देता हूं शायद आपको समझ में आएगा। सपोज हम कहेंगे कि यहां पे कोई एक सॉलिड स्फीयर है, ये एक सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर का मास है m, रेडियस है r, ये रेडियस है r। आपको मालूम है कि ऐसा कोई एक सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर इज ICM, और उसका वैल्यू आपको मालूम है कि 2/5 mr² होता है। तो ये एक सॉलिड स्फीयर है, चलो मान लें कि एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। अच्छा, ये सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr² होता है। मुझे पूछा गया, बताओ व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस और अबाउट ए टेंजेंट टू द स्फीयर। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, हमें पूछा गया बताओ इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो हम सीधे सीधे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, कहेंगे आई ए बी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू एच स्क्वायर। अब आईसीएम क्या है, कोई सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस में कितना है, इट इज 2/5 mr² है ना, प्लस m into h क्या है यहाँ पर, अगर ये tangent है, h is also equal to r plus r square, क्या हो गया, it is coming out to be 7/5 mr². समझ में आया क्या, it is 7/5 mr², कोई भी एक axis में मालूम है, जो axis center mass से पास कर रहा है, तो उसको parallel किसी दूसरे axis में हम निकाल सकते हैं। For your better understanding, I can give you one more verification. ये तो आपको मालूम नहीं था, अब बोल दिए, चलो एक दूसरा केस लेते हैं और वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक थीन रॉड है जिसका मास m है, लेंथ इसका l है, और ये कोई एक एक्सिस है जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया i1 है, इसका मिड पॉइंट से पास करता हुआ ये कोई एक दूसरा एक्सिस है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया i2 है, ठीक है, ये रॉड का मास m, लेंथ l है ना। अच्छा, क्या मुझे बता सकते हो कि इस केस में ICM हम किसको लेंगे, i1 को कि i2 को, किसको लेंगे, i1 को कि i2 को। ICM इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, i2 को, ICM हो गया i2, जिसका वैल्यू हमें मालूम है कितना होता है, mr² / 12, बहुत बढ़िया, mr² / 12 होता है, सबको ये चीज मालूम है। अच्छा, और हम देखेंगे जो i1 है ये एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस में जो इसके साथ पैरेलल है, और यहां से कितना दूर पे है, l/2 है कि नहीं। तो i1 का क्या फॉर्मूला बनेगा, इट इज ICM प्लस mh² डिटेल में लिखे तो ICM का वैल्यू क्या होगा, i2 प्लस mh², i2 का वैल्यू क्या है, ml² / 12 प्लस m, h कितना है l/2, तो l/2 का स्क्वायर है ना। देखो तो क्या हो गया, ये ml² / 12 प्लस ml² / 4, तो इसको लिख सकते हैं ना 3 ml² / 12 ml² / 12 मिलके हो गया 4 ml² / 12 is equal to ml² / 3, वो तो होता है इस एक्सिस में हमें मालूम है। समझ में आ रहा है क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऐसा ही पावरफुल चीज है। अभी आपको इस बार का इस एक्सिस में मालूम था बोल के आप आसानी से बोले हाँ हाँ ठीक है, अगर यहां पर एक्सिस देने की बजाय मैं यहां पर दिया होता तो आप फिर फंस गए थे, लेकिन हमारा थ्योरम तो काम में आ जाएगा नहीं, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग एट दिस एंड अगर यहां पे निकालने के लिए कहा जाएगा तो ये डिस्टेंस कर लो, यहां पे निकालने के लिए कहा जाएगा तो ये डिस्टेंस कर लो, तो किसी भी पॉइंट में पैरेलल एक्सिस में हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रूफ थोड़ा सा लंबा है, लेकिन प्रूफ हमें करना है, करेंगे, क्योंकि स्कूल वाले अक्सर इसका लॉन्ग क्वेश्चन को डालते हैं, ठीक है। लेट अस सी प्रूफ ऑफ दिस लॉ, प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, दिस नॉट ए लॉ, दिस ए थ्योरम। चलिए मानते हैं कि ये कोई एक बॉडी है जिसका मास m है और ये उसका सेंटर ऑफ मास है,
ठीक है ना। और ये एक्सिस है, जिस एक्सिस में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, चलो इसको नाम देते हैं आई ए बी। किसी एक दूसरा एक्सिस में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, कौन सा एक्सिस में, चलिए ये कोई एक दूसरा एक्सिस दे दिए, नाम दे दिए सी डी। और चलो मानते हैं कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस एच है और ये है सेंटर ऑफ मास। क्या आप बता सकते हो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होना चाहिए? बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बाद में हम इसको पैट लिखेंगे क्योंकि बार बार लिखना पड़ता है। तो क्या कहोगे, क्या बता सकते हो? एम आई ए बी आई सी डी और ये एच में क्या रिलेशन है? व्हाट इज इक्वल टू व्हाट प्लस व्हाट? आई विल से ये तो आई सी एम है ना, तो आई सी डी इज इक्वल टू आई सी एम मतलब आई ए बी प्लस एम इन टू एच का स्क्वेयर, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो सारा चीज निकालते हैं, इसको निकालेंगे इसको निकालेंगे इसको निकालेंगे और देखेंगे। अच्छा, कोई भी एक्सिस में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता था? इस बॉडी का अगर हम इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, आई विल कंसीडर दिस बॉडी एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट मासेस, हर एक मास का डिस्टेंस यहां से देखेंगे, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई स्क्वायर करेंगे। इस एक्सिस में निकालना है तो समेशन ऑफ यहां से डिस्टेंस निकालेंगे। चलो हम कंसीडर करते हैं कोई मास एम आई को यहां पे, जो यहां से एक्स आई डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो अब हम कहेंगे व्हाट इज अच्छा, यहां से अगर एक्स आई डिस्टेंस पे है तो यहां से कितना डिस्टेंस पे है? ये डिस्टेंस कितना है? एक्स आई प्लस एच, क्योंकि डिस्टेंस एच है ना, ये एक्स आई प्लस एच है। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। नाउ व्हाट इज आई ए बी? आई ए बी इज समेशन ऑफ एम आई एक्स आई स्क्वायर, है कि नहीं? आई ए बी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई एक्स आई स्क्वायर फॉर्मूला है। यहां से हर एक मास का डिस्टेंस एक्स आई हुआ, एम वन का एक्स वन, एम टू का एक्स टू, एम थ्री का एक्स थ्री, एम सो वन, और फिर आप निकाल दिए समेशन ऑफ एम आई एक्स आई स्क्वायर। व्हाट अबाउट आई सी डी? इट इज समेशन ऑफ एम आई इंटू डिस्टेंस ऑफ दिस मास फ्रॉम हियर, कितना है? एक्स आई प्लस एच, तो एक्स आई प्लस एच का स्क्वायर, है कि नहीं? एम वन इंटू एक्स वन प्लस एच, एम टू इंटू एक्स टू प्लस एच का स्क्वायर, एम थ्री इंटू एक्स थ्री प्लस एच का स्क्वायर, ऐसे करके। तो ये हो गया। अब ये जो चीज है, थोड़ा ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूं, इस चीज को मैं एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा हूं। इट इज समेशन ऑफ एम आई होल इंटू एक्स आई का स्क्वायर एच स्क्वायर टू एक्स आई एच, ये है फॉर्मूला। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ एक बार, इसके साथ एक बार, इसके साथ एक बार, तीन टुकड़ा करेंगे। समेशन ऑफ एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम आई एच स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ टू एम आई एक्स आई इंटू एच, समझ में आ रहा है क्या? जस्ट एक्सपांडिंग है ना, ये ऐसे हो गया। अब हमें ये चीज को प्रूफ करना है कि आके बनेगा ये, यहाँ पे तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं क्या, देखो तो आई ए बी क्या है? समेशन ऑफ एम आई एच स्क्वायर है ना, ये तो आई ए बी है, और बाकी दोनों को प्रूफ करना है कि एम एच स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं समझने की कि व्हाट डज दिस एम आई एच स्क्वायर, समेशन ऑफ एम आई एच स्क्वायर रिप्रेजेंट? समेशन ऑफ एम आई एच स्क्वायर का मतलब क्या है? मतलब है कि इट इज एम वन एच स्क्वायर, एम टू एच स्क्वायर, एंड सो ऑन, एच स्क्वायर गोज कॉमन, एम वन प्लस एम टू प्लस, ऐसे सारे मासेस को अगर जोड़ेंगे तो क्या देगा? टोटल मास। सो इट इज एम एच स्क्वायर, अरे वाह आ गया नहीं, और एक टर्म बाकी रह गया, और कौन सा टर्म बाकी रह गया? ये वाला टर्म, समेशन ऑफ टू एम आई एक्स आई एच। चलो इसको देखते हैं क्या है, समेशन ऑफ टू एम आई एक्स आई एच, इसको अगर एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा? टू एम वन एक्स वन एच, टू एम टू एक्स टू एच, एंड सो ऑन। लेकिन इसमें से टू एच कमन जाएगा, अंदर क्या रह गया देखो तो, एम वन एक्स वन, इट इज कमिंग आउट टू बी एम वन एक्स वन, एम टू एक्स टू, ये सारे को जोड़ो।
अब ये सारे को जोड़ोगे तो इसको हम टेक्निकली क्या लिखते हैं, 2h समेशन ऑफ mi xi, है ना, 2h into summation of mi xi. Now let us go back to the concept. हमारा जो पहला स्टेट ये एक्सिस था AB, it was passing through center of mass. हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम AB, जो लोग को समझ में आ रहा है वो फटाफट बताएंगे क्या है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास. किसी भी एक्सिस से डिस्टेंस निकल गया, फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ mi xi / समेशन ऑफ mi, होता है कि नहीं होता है, क्योंकि AB से उनका डिस्टेंस को क्या लिया गया है, xi दिया गया है. AB से डिस्टेंस xi दिए हैं, मतलब m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 whole divided by m1 plus m2 plus m3 and so on will give you the distance of center of mass. But AB तो center of mass से पास कर रहा है ना, but the distance of center of mass from this axis zero, the axis itself is passing through the center of mass, है कि नहीं, the center of mass, distance of center of mass from AB is zero. तो क्या लिखेंगे, this is equal to 0. Why? Because AB passes through center of mass. क्या बातें, सबको समझ में आ रहा है, अगर AB is passing through center of mass, this is coming 0, what it implies? It implies ये जो denominator इसको लेके इधर फेंको, क्या बच गया, summation of mi xi is equal to 0. summation of mi xi क्या हो गया, 0. अच्छा, अगर summation of mi xi 0 हो गया तो ये वाला term क्या हो गया, 0. ये वाला term क्या हो गया, mh square. चलिए अब हम वापस चलते हैं, उस statement को दोबारा ले आते हैं. यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं क्या, ये ICD ऐसे देखे थे. चलो इसको कॉपी करके उठा के लेते हैं दूसरी जगह और इसको यूज करते हैं. Yes, ये जो स्टेटमेंट हुआ क्या मतलब हो गया इसका, 10 this is equal to, इसके जगह क्या लिखेंगे, IAB, इसके जगह क्या लिखेंगे, mh square, इसके जगह क्या लिखेंगे, 0. तो प्रूफ हो गया ICD is equal to IAB plus mh square. समझ में आ गया, जबकि IAB क्या है, ICM, IAB itself is ICM, it is ICM plus mh square. तो ये हो गया प्रूफ. ठीक है, आप एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन बना लोगे तो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझ में आ गया, इससे पता चलेगा. चलिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं. सपोज हम कहेंगे हियर इज ए थिन बार, इन फिगर शोन द बार हैज मास m एंड लेंथ l, फाइंड mi अबाउट एक्सिस AB. छोटा सा क्वेश्चन है, आपको करना पड़ेगा, जबरदस्ती है, नहीं तो पता चलेगा कि आपको समझ में नहीं आया थ्योरम. ये कोई एक थीन बार है जिसका मास m है, लेंथ l है, और क्या दिया है, यहाँ पर कोई एक एक्सिस दिया गया है, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना दिया है, दिया है ये डिस्टेंस इज l by 4, जबकि पूरा बार का मास, पूरा बार का लेंथ l है, मास m है. AB में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, ऐसे दिया गया, ठीक है. Now please apply your brain और उसको apply करो और निकालो what is moment of inertia about AB. Let us see the solution. हमें इसमें moment of inertia पूछा गया है, कैसे निकालेंगे? अगर हमें किसी तरह से इसका center of mass से pass करता हुआ axis में moment of inertia मालूम चल जाएगा तो हम ये लगा सकते हैं, IAB निकाल सकते हैं. तो आप क्या कहोगे, here
ICM, आप तो जानते हो ये कोई एक बार है, ऐसा एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ML स्क्वायर बाय 12। अच्छा तो फिर आइए भी क्या होगा, आइए भी जानने के लिए हमें h जानने की जरूरत है। हियर व्हाट इज h, अगर ये मिड पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये पूरा चीज है L by 2, तो ये कितना है h, वो h कितना है L by 2 minus L by 4 is equal to L by 4। अच्छा तो फिर आइए भी क्या हो गया, आइए भी h by Parallelism theorem ICM plus m h square है ना, m h square। अच्छा ये बात है, ICM है m l square by 12, m h हो गया l square by 14, sorry 4 का square 16, m l square by 16, जोड़ो दोनों को, नीचे क्या जाएगा 48, इधर आएगा 4, इधर आएगा 3, 7 by 48 m l square। बहुत बढ़िया है, काफी जल्दी आप लोग आंसर बना लिए, ठीक है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में हम देख लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखना चाहते हैं, फॉर ए डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, फाइंड एम आई About a tangent along plane of disk। ओहो देखो, कोई डिस्क को टैंजेंट दो तरीका हो सकता है। सपोज हम कहेंगे ये एक डिस्क है, हम इसको ऐसा एक टेंजेंट लेंगे तो हम कहेंगे द टेंजेंट इज अलोंग द प्लेन ऑफ द डिस्क, है ना, और ऐसा टेंजेंट ले लेंगे तो इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। क्वेश्चन में दिया है अलोंग प्लेन ऑफ द डिस्क, ये क्या है, प्लेन का स्पेलिंग उल्टा पुल्टा लिखा है, थोड़ा ठीक करते हैं इसको, प्लेन ऑफ डिस्क, ठीक है। तो कैसा पूछ रहा है, हमें क्या पूछा है, थोड़ा क्वेश्चन बना देते हैं यहां पर, ये है डिस्क मास m रेडियस r का और इस एक्सिस में पूछा है, क्या मैं 1 मिनट आपको दे के वेट कर सकता हूं, ट्राई, 1 मिनट के अंदर नहीं होगा तो मैं करना शुरू करूंगा, आई विल वेट फॉर 1 मिनट ओनली। आप लोग सही कोशिश कर चुके हैं, अब मैं बताता हूं, अब मैं क्लू दूंगा उसके बाद फिर से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप 1 मिनट में करो। ये डिस्क है, मुझे इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, अगर किसी तरह से सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ किसी एक्सिस में मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर लेता हूं तो इसमें निकालना कोई बड़ी चीज नहीं था, ये मालूम हो जाएगा, ये मालूम हो जाएगा, सिंपल। लेकिन ये क्या है, इट इज एन एक्सिस अलोंग द डायमीटर, नाउ लुक एट द डिस्क, यू वांट टू नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस अलोंग द डायमीटर, लेकिन आपको डिस्क के बारे में जो जानकारी हो क्या है, अबाउट द एक्सिस ऑफ द डिस्क आपको मालूम है कि नहीं, अबाउट द एक्सिस ऑफ द डिस्क, इस एक्सिस में क्या होता है आपको मालूम है, कितना होता है हाफ एम आर स्क्वायर, निकालना क्या है इस एक्सिस में क्या होगा, कोई दूसरा थ्योरम आपके पास है क्या, दो टो परपेंडिकुलर एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के इसको निकालने वाला तरीका, ठीक है, आई स्पेयर फॉर 1 मोर मिनट अगेन, ट्राई आओ, देखते हैं कौन कर पाता है। ये आप लोग सफल प्रयास कर चुके हैं, ये कोई एक डायमीटर है, ये डायमीटर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है मालूम नहीं है, लेट अस कॉल इट I0, ये एक डायमीटर है, हाँ इसमें अगर I0 हुआ, सॉरी इसमें अगर I0 हुआ, ये एक दूसरा डायमीटर है, इस डायमीटर कोई भी डायमीटर में बराबर होगा, सो इसमें भी होगा I0। सपोज आई टेक टू परपेंडिकुलर डायमीटर, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, नाउ मेक यूज ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, I0 plus I0 is equal to this, है ना, कितना है half m r square, तो क्या लिखेंगे इसमें, by perpendicular axis theorem, इसको थोड़ा मैं छोटा करता हूं, तो इसको भगाओ पहले, ये जाए, ये गया, इसको इधर रखे, तो क्या कहेंगे, let solution, let
I0 is MI about a diameter. About a diameter. By perpendicular axis theorem. आपोगे 2I0 is equal to half MR square. क्या ये स्टेटमेंट सबको समझ में आया? है ना, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में जो होगा जोड़ने से तो ये एक्सिस में हुई होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम देख चुके थे. स्टेटमेंट क्या था? इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस अलोंग द प्लेन ऑफ द लैमिना इज नोन. देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस perpendicular to the plane of the lamina passing through their intersection is given by sum of the two moment of inertia. So half mr square is 2i0 और मिल गया i0 is 1/4 mr square. ठीक है, मतलब किसी भी एक diameter में moment of inertia 1/4 mr square है. अब हमारा question में आते हैं. अपना question क्या बोल रहा है? अपना question बोल रहा है कि ऐसा किसी एक axis में क्या होगा. कौन सा axis है ये? चलो कहते हैं AB. क्या हमें डायमीटर में मालूम है? हाँ मालूम है. क्या डायमीटरल एक्सिस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम ICM कह सकते हैं? यस कह सकते हैं, बिकॉज़ इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है तो इसको आप ICM बोल सकते हो. ठीक है ना, ये हो गया कितना ICM. नाउ बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप क्या कहोगे? कहोगे कि जो आपका IAB है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए टेंजेंट अलोंग द प्लेन ऑफ द लैमिना. ध्यान रखो यह टेंजेंट अलोंग प्लेन ऑफ द डिस्क, टेंजेंट अलोंग द प्लेन ऑफ द डिस्क, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क आर टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, तो टेंजेंट अलोंग द प्लेन ऑफ ए डिस्क इज क्या हो गया इसमें, is coming out to be ICM. It is ICM plus M into H square. ICM मतलब about a diameter कितना है, 1/4 MR square plus M into H का square. H कितना है? H तो R है. So हो गया 5 MR square by 4. तो कोई अगर डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है, आप अगर एक टेंजेंट लेते हो अलोंग द प्लेन तो वैल्यू हो जाता है कितना, 5 mr² / 4. अब दिमाग लगाओ और फटाफट बताओ, बिना कुछ कैलकुलेशन का बताओ, कोई डिस्क है मास m रेडियस r, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट ए टेंजेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क. ऐसा एक टेंजेंट में क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसा एक एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा. ये एक्सिस में देख लिया हम लोग कितना हो गया 5/4 एम आर स्क्वायर. ये एक्सिस में कितना होगा 3/2 एम आर स्क्वायर. देखो 3/2, यस, क्योंकि इस एक्सिस में होता है हाफ एम आर स्क्वायर तो इसमें हो जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर. दरअसल ठीक है ना, आपको क्वेश्चन को ढंग से समझना जरूरी है. तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सपोज हम कहेंगे कि यहां पे कोई एक डिस्क है. आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद थ्योरी के लिए बढ़ जाएंगे हम लोग और ढेर सारा क्वेश्चन में बाद में आपके लिए कर दूंगा. तो पहले दिखाते हैं कि यहां पर कोई एक रॉड है, ऐसा थिन रॉड है. फिर यहां पे क्या है, यहां पे कोई एक डिस्क भी है. ये डिस्क है, ऐसा डिस्क है, ऐसा रखा है, ये डिस्क है ना. और डिस्क क्या, ये रिंग है मान लेते हैं, ये है रिंग. और इसको इस एक्सिस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं. कौन सा एक्सिस में? ऐसा कोई एक्सिस में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं. आपको सोचना है और बताना है ध्यान से. डाटा दिया हुआ है, डाटा दिया हुआ है, डाटा क्या दिया है, दिया है कि इसका मास है m, लेंथ है 2r, इसका मास है, ये रिंग है, इसका मास है m और रेडियस है r. ध्यान से देखिए क्वेश्चन को. हियर इज ए रिंग फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. मैं रिंग को थोड़ा ज्यादा विजिबल करता हूं सो दैट यू कैन विजुअलाइज दिस प्रॉपरली. ये एक रिंग है, ये एक रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है. ये एक बार है जिसका मास m है, लेंथ 2r है. ठीक है ना,
आपको पूछा गया है बताओ व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस अरेंजमेंट अबाउट दिस एक्सिस ए बी, वो मच्छर मारने वाली बैट मिलता है ना इसकी तरह, इसको अभी ऐसे घुमाने वाले हो, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी निकालना है। क्या करना पड़ेगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और जोड़ दो, काम बन गया है ना, डू इट नाउ। तो क्या दिया है इस क्वेश्चन में, इन फिगर शोन, फिगर शोन फाइंड एम आई अबाउट ए बी, ठीक है, ए बी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये कोई एक बार है मास एम रेडियस लेंथ टू आर, ये कोई रिंग है मास एम रेडियस आर, चलो ठीक है, अब सॉल्यूशन बनाते हैं। फॉर बार, बार के लिए क्या होगा, बार के लिए क्या होगा, सिंपल तो है, क्या होगा, इट इज, चलो इसको वन कहते हैं, आइटम नंबर वन, आइटम नंबर टू, आई वन, आई वन क्या हो जाएगा, आई वन विल बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई थ्री, दैट इज एम टू आर का स्क्वायर बाई थ्री इज फोर, इज इक्वल टू फोर एम आर स्क्वायर बाई थ्री, हाँ हाँ ये सिंपल है। रिंग के लिए, रिंग के लिए ये एक्सिस में, रिंग के लिए इस एक्सिस में जानने के लिए हमें पहले समझ में आना चाहिए कि रिंग के लिए इस एक्सिस में क्या होगा, इस एक्सिस में पता चल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन रिंग के लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, कौन सा एक्सिस में, ये एक्सिस में, नो, वी नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट द एक्सिस ऑफ द रिंग, दिस इज ए डायमीटर, यू हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर, है ना। तो हम क्या कहेंगे, इफ, सॉरी, इफ आई डी इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट ए डायमीटर, है कि नहीं, देन क्या कोई मुझे बताएगा टू आई डी कितना होगा, आई डी कोई एक रिंग है ये डायमीटर में आई डी है तो ये डायमीटर में भी आई डी ही होगा, टू आई डी मतलब इस एक्सिस में होगा कितना, एम आर स्क्वायर, है ना। सो आई डी इज, ये कौन सा थ्योरम हुआ, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये हो गया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो आई डी कितना हो गया, हाफ एम आर स्क्वायर, हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट द डायमीटर इज कमिंग आउट टू बी हाफ एम आर स्क्वायर। तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम है, क्या हम इसको आईसीएम यूज कर सकते हैं, यस, कितना है, हाफ एम आर स्क्वायर। अब ए बी निकालना क्या मुश्किल है, कोई भी कर सकता है, इट्स वेरी सिंपल। तो आप क्या कहोगे अभी, आई ए बी, थोड़ा इसको जगह बनाते हैं यहाँ पे, चलो अगले पेज में, तो आप क्या कहोगे, आई ए बी फॉर रिंग, फॉर रिंग आई ए बी क्या है, आई ए बी इज इक्वल टू फॉर्मूला आएगा आई सी एम प्लस एम इन टू एच स्क्वायर, वापस चलते हैं, आई सी एम क्या लिया जाएगा यहाँ पे, हाफ एम आर स्क्वायर, एच क्या लिया जाएगा यहाँ पे, थ्री आर, डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, है ना, थ्री आर। तो आप कहेंगे इट इज कमिंग आउट टू बी इट इज आई सी एम, आई सी एम का वैल्यू हुआ हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम इन टू थ्री आर का स्क्वायर, है कि नहीं, तो कितना हो गया, नाइन एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो कितना हो गया, नाइनटीन एम आर स्क्वायर बाई टू, किसके लिए, रिंग के लिए, और जो अपना अपना जो बार था उसके लिए फोर एम आर स्क्वायर बाई थ्री। तो आप क्या कहोगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 mr square by 3 plus 19 mr square by 2 it is coming out to be 8 plus 57 is 65 mr square by 6 कोई तो बताया था आंसर, who was that great person, yes, देखो सायतुष पंडा का आंसर करेक्ट हो गया 65 mr square by 6। क्या सबको समझ में आ रहा है ना, थिंकिंग करेक्टली वेरी इंपॉर्टेंट, साइटोस पंडा स्मार्ट बन गया, देखो एकदम बढ़िया से सोच लिया, बहुत बढ़िया।